थंडरबोल्ट यानी कि वज्रपात। जैसा कि नाम सुनकर ही डर लगता है, पर क्या आपको पता है कि वास्तव में वज्रपात क्या है और ये क्यों होती है, और तो और इससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश मिश्रा और स्वागत है आपका फैक्ट्स दुनिया में। दोस्तों, आपने बचपन से ही बारिश के मौसम में या बारिश से पहले या बाद में चमचमाती तेज लाइट एवं आवाज़ के साथ सर्पाकार आकाशीय बिजली को तड़तड़ाते जरूर देखा होगा। पर आखिर ये बिजली क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब ज़मीन गर्म होती है तो वातावरण में मौजूद हवाएं भी गर्म हो जाती है। फिर जैसे जैसे यह हवा आसमान की ओर बढ़ती है, वैसे ही गर्म हवा के संपर्क में आते ही बादल का आकार बड़ा और हल्का होने लगता है। जो बादल ऊपर होते हैं उनका तापमान कम होता है, जिससे जल वाष्प बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर एक ऐसा बादल बनाते हैं जिसे थंडर क्लाउड कहते हैं। और जब यही थंडर क्लाउड आपस में टकराते हैं तो एक हाई वोल्टेज बिजली उत्पन्न होती है, जो तेज लाइट के साथ एक आवाज़ उत्पन्न करती है। इन्हीं बादलों के कुछ समूह पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास आते हैं तो टकराने से एक हाई वोल्टेज बिजली उत्पन्न होती है, जो कई लाख वोल्टेज तक हो सकती है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करती है, किंतु हवा के अच्छा संवहन न होने के कारण विद्युत आवेश में रुकावटें पैदा होती है और बादलों में निगेटिव निचले सतह को छूने की कोशिश करती है, और बादल की निगेटिव चार्ज निचले सतह को छूने की कोशिश करती पॉजिटिव चार्ज को आसमान में कंडक्टर न मिलने के कारण कंडक्टर की तलाश में सीधा जमीन से टकरा जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आकाश में चमकने वाली बिजली को तड़ित या लाइटिंग भी कहते हैं। साधारणतया इसमें 17,000 से 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होता है, जो कि सूर्य की सतह के 3 से 5 गुना ज़्यादा होता है। हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। विश्व में लगभग प्रतिदिन 85 लाख बिजलियाँ धरती पर गिरती है। केवल भारत में हर साल 1800 लोगों की जान बिजली गिरने से चली जाती है। बिजली किसी इंसान पर गिरने से 60% मामलों में तुरंत मौत हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है हार्ट अटैक, क्योंकि इतनी अधिक वोल्ट के झटके से हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है और फिर मौत हो जाती है। और जो 40% बच जाते हैं उनके शरीर को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसमें शरीर का जल जाना, तरह तरह के निशान बन जाना, कानों के पर्दे का फट जाना, ये सब आम बात होता है। और तो और ये हमारा नर्वस सिस्टम को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, जिसमें आप परमानेंट पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं। आकाशीय बिजली की प्रक्रिया तो कुछ सेकेंड के लिए ही होती है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा वोल्ट का करंट होता है जो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। आकाश से गिरी बिजली किसी माध्यम से ज़मीन में जाती है, और अगर उस माध्यम के बीच कोई भी जीवित चीज़ें आती है तो बस उसका एक ही अंजाम होता है, मौत। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वज्रपात से बचने के कुछ उपाय। तो सबसे पहला उपाय है कि बारिश के समय जितना हो सके खुले या पेड़ों के नीचे बैठने से बचें। अगर नदी या तालाब में हो तो तुरंत बाहर निकल जाएं। अगर कोई मेटल की लॉकेट या मेटल का कुछ भी वस्तु पहने हो तो उसे उतार लें। हो सके तो घर के भीतर रहें। अगर बहुत सारे लोग एक जगह हो तो कम से कम कुछ मीटर की दूरी बनाकर रखें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप बिजली के प्रकोप से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना सजेशन देते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।